हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल। आप सभी का स्वागत है डॉल्फिन अप्लायंस चैनल में। हम आज ये वीडियो स्पेशली मोबाइल सोडा मशीन के लिए बनाने जा रहे हैं, जो गाड़ी में लगने वाली मशीन है। जो कोई भी गाड़ी टाटा है से छोटा आती है, कोई भी गाड़ी या कोई भी दुकान में भी आप इसको लगा सकते हैं। 2-in-1 मॉडल है। अगर इसको दुकान में लगाना है तो आप स्टैंड के ऊपर लगा के इसको शॉप में ऑपरेट कर सकते हो, और अगर गाड़ी में लगाना है तो इसको आप गाड़ी या कोई भी गाड़ी में इंस्टॉल करा सकते हैं। तो ये बेस्ट क्वालिटी की, बेहतरीन क्वालिटी की मशीन हमने बनाई है, जिसके अंदर हमने लेंसर कंपनी का वाल लगाया हुआ है और टेपरेट कंपनी का मेनू का जूस का फ्लेवर लगा हुआ है। ये 10+2 मॉडल है, 10 फ्लेवर सोडा वाले, 2 फ्लेवर जूस वाले हैं। इसके अंदर टोटल 12 फ्लेवर की मशीन है, जिसके अंदर से आप 12 फ्लेवर अलग अलग फ्लेवर निकाल सकते हैं। जैसे लाइम लेमन है, लीची है, ऑरेंज है, पुदीना मसाला है, जीरा मसाला है, कोई भी आप फ्लेवर चॉइस करके इसके अंदर लगा सकते हैं। और हमने यहाँ पे इसमें 2 ड्रॉवर दिए गए हैं, जिसके अंदर आप कोई भी सामान्य नींबू है, पिज्जा है, या कोई भी सामान इसके अंदर आप लगा सकते हैं। और इसमें यहाँ पे हमने लाइटिंग वाला लोगो दिया हमारा डॉल्फिन कंपनी का, जो आप डेकोरेट करने के लिए, रात को इसको ऑपरेट करने के लिए इसको स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे पूरी मशीन डेकोरेट होगी। यहाँ पे इसका स्विच दिया गया है ऑन ऑफ का, आप इसको ऑन ऑफ करके इसको लाइट को स्टार्ट कर सकते हैं। और पूरी इसका सो भी फोल्डिंग है, इसको आप निकालना है तो निकाल भी सकते हो, अगर आपको निकालना है तो इसको निकाल सकते हो उसको। और पूरी मशीन की टैंक है 300 लीटर, 300 लीटर्स की टैंक की कैपेसिटी है। वन टाइम आप उसको रिफिल करने के बाद 300 लीटर का कैपेसिटी है। 300 लीटर समथिंग आप एवरी ट्रिप 1700 से 1800 ग्लास का बिजनेस कर सकते हो। एक बार रिफिल करने के बाद 1700-1800 ग्लास का सोडा बिजनेस कर सकते हैं इसके अंदर। जिसके अंदर हमने 2 टन का कूलिंग प्लांट लगाया है, CR22 करके इमर्शन कंपनी का कूलिंग कंप्रेसर लगाया हुआ है इसके अंदर। और यहाँ पे हमने इसका एक वाटर लेवल कंट्रोलर दिया हुआ है, आप देख सकते हो पूरा, ये पूरा वाटर लेवल कंट्रोलर है, जिसके अंदर मशीन के अंदर कितना पानी भरा है वो आप बार से देख सकते हो। बार बार इसका ढक्कन खोल के ओपन करके आपको देखने का जरूरत नहीं है, इसको आप यहाँ बार से पता चल जाएगा कि कहाँ तक लेवल में पानी भरा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे पीछे कूलिंग प्लांट लगा रहता है, कंप्रेसर सिस्टम लगा रहता है, इसका वेंटिलेशन है, एयर वेंटिलेशन, जो कंप्रेसर कूलिंग करने के टाइम पे एयर वेंटिलेशन निकलता है वो वेंटिलेशन है। और पूरा हमने फैब्रिकेशन स्टील के पाइप के ऊपर किया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे स्टील का पाइप है, पूरा पाइप यहाँ से लेके पूरा स्टेनलेस स्टील पाइप के साथ कनेक्ट किया हुआ है, हेवी फैब्रिकेशन पूरा किया हुआ है। और यहाँ पे सर्किट बोर्ड है, जिसके अंदर आपको टेम्परेचर भी बताएगा, कितना टेम्परेचर मशीन के अंदर, पानी कितना ठंडा है, कितना गर्म है, सब सिस्टम इसके अंदर दिखाएगा टेम्परेचर कंट्रोलर में। और इसको अगर आपको सेट करना है, अगर कूलिंग इश्यू को ठंडा ज्यादा करना है तो उसमें सेट कर सकते हो, ठंडा कम करना है तो उसमें भी आप अलग सेटिंग है, सब चीज का इसमें अलग अलग सेटिंग लगाया रहता है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की मशीन है, ए ग्रेड क्वालिटी का मॉडल है पूरा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारी रोज नई नई प्रोडक्ट के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।